हम देख पा रहे हैं दोनों वेरिएंट हमारे पास में हैं, जो हमारा हाइड्रोलिक है वो भी इधर है और हमारा जो यू नो फ्लोटिंग है वो भी है। दोनों का मेंटेनेंस मोर एंड लेस एक ही होता है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए जो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इनके साथ में मैनुअल आता है वो, उसको पढ़ना उसको देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। दोनों के साथ में आता है, लेकिन मैं फिर भी इसका जो मुख्य मुख्य मेंटेनेंस के हैं वो रखना चाहिए। पहले तो जिसमें भी इसमें देख रहे हो आप, इसमें ऑयलिंग होता है सब में, ये ग्रेस और ऑयलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिंगर्स में कोई स्टोन नहीं होना फंसा होना चाहिए, ये फिंगर अगर कोई टूट गया तो इसको रिप्लेस करना चाहिए। अगर ये हमारी मैट पैड हैं, अगर ये टूट गई या वो ख़राब हो गई तो इनको रिप्लेस करनी चाहिए। ये फ्लोटिंग रोल जो होता है इस पर चलता है, इसको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर ग्रीसिंग है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसमें पिन होती है, ये पावर मैकेनिज्म ट्रांसमिशन का एक शाफ्ट है, अगर इसमें कई बार ये पिन टूट जाती है तो हमें रिप्लेस कर लेना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, फ्लोटिंग टाइप में, हाइड्रोलिक टाइप में कोई समस्या नहीं है, वो उसमें नहीं है। अगर हम इसको टर्न पे लेते हैं, टर्न के टाइम अगर इसको हम बेटर है कि इसको सीडलिंग को इससे बंद कर दें रिलीज़ करने के बजाय, तो बंद करने से क्योंकि क्या होता है कि वो टर्न करेंगे तो ये टर्न लेता है और इसमें ज़्यादातर ब्रेकेज होने के रहते हैं। जैसे ही हम टर्न लेते हैं तो उसको बंद कर दें सीडलिंग को, जो मैकेनिज्म चलता है, और जैसे ही दोबारा टर्न लेके चलते हैं तो उसको इसको स्टार्ट कर दें वापस। इसके अलावा कई बार हमारा जो ये यहाँ पे गियर ऑयल होता है, अगर इसमें प्रॉपर ऑयल नहीं होगा तो ये ड्राई होने के कारण से टूट सकता है, इसके गियर बॉक्स वगैरह। इसके अलावा इंजन है जो जो नॉर्मल इंजन होते हैं ट्रैक्टर के, उसकी तरह आपको इसको रिपेयर करना है, इसका मेंटेन करना है, इसमें ऑयलिंग का बिल्कुल फिल्टर करके डालना है, ऑयल डालना है, और इसमें कूलिंग वाला सिस्टम उसको देखना है, इसके फिल्टर्स को हमेशा बिल्कुल क्लीन रखना है। यही है इसमें, अगेन हमारा जो ये जो गियर बॉक्स है इसका मैकेनिज्म का, इसमें प्रॉपर ऑयल होना चाहिए, अगर इसकी कोई सील वगैरह टूट गई कोई ऑयल निकलना तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। यही इसके मोटे मोटे हैं। इसी हिसाब से उसमें उसके थोड़े से किससे भिन्न है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन उसी में भी मेंटेनेंस पार्ट सेम ही है, मैकेनिज्म एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, बस मशीनें दूसरी हैं। तो उस हिसाब से उसका भी मैनुअल आता है, उसके हिसाब से उसके भी सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये एक दिन में 1 हेक्टर के करीबन इसका एफिशिएंसी है, लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है 4 लाइन वाला है और 8 लाइन वाला। अगर 4 लाइन वाला है तो उसकी एफिशिएंसी पर दिन कम हो जाएगी, 8 लाइन वाला तो 1 हेक्टर हो जाएगी, उसी हिसाब से उसकी आधी हो जाएगी। उसी हिसाब से हमारा जो हाइड्रोलिक वेरियंट है उसकी भी एफिशियंसी होती है, वो उसकी एफिशियंसी ज़्यादा होती है उसकी, क्योंकि उसका रनिंग है। आजकल इसमें जो सीट अरेंजमेंट के साथ में आता है, और जो हाइड्रोलिक आता है वो 2 वेरिएंट में आता है, एक वॉक बिहाइंड में आता है और दूसरा जो सीटिंग के अरेंजमेंट के साथ में आता है, उसकी उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है और वो मार्केट में अवेलेबल।